सिवान जिले में मां सरस्वती की पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। जिला मुख्यालय में स्कूल, कोचिंग संस्थान व अन्य संस्थानों में भी मां सरस्वती की स्थापित प्रतिमा का विधिवत विसर्जन किया गया। इस मौके पर महिलाओं ने एक दूसरे को अबीर भी लगाया तथा मां को खोइचा भी दिया। वहीं दूसरी ओर मूर्ति को ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ नगर में घुमाया। सबने उत्साह के साथ अबीर गुलाल तथा गाजा बाजा के साथ विसर्जन जुलूस निकाला। विसर्जन जुलूस के लिए प्रशासन ने भी कड़े इंतजाम किए। हर चौक चौराहों पर पुलिस बल तैनात था। विसर्जन के दौरान कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। हर साल इसी तरह धूमधाम से मनाते हैं और मनाते रहेंगे। मुख्यालय के दरबार सिनेमा के सामने शिव मार्केट स्थित आदित्य एंटरप्राइजेज का भव्य शुभारंभ सिवान के सहायक पुलिस अधीक्षक, सदर अनुमंडल पदाधिकारी अमन समीर और शिव मार्केट के मालिक मोहन प्रसाद ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर शहर के कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। वहीं उद्घाटन के अवसर पर पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब व पूर्व मंत्री अवध बिहारी चौधरी भी पहुंचे रहे। वहीं आदित्य एंटरप्राइज के प्रोप्राइटर व प्रेस क्लब के अध्यक्ष कैलाश कश्यप ने बताया कि यहां बाजारों की अपेक्षा उचित मूल्य पर सामान उपलब्ध है। वहीं टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सहित कई इलेक्ट्रॉनिक सामान भी यहां फरवरी माह से लोगों को बिना इंटरेस्ट पर आसान किस्तों पर दिया जाएगा। इस दौरान भाजपा विधायक व्यास देव प्रसाद, जिला अध्यक्ष मनोज सिंह के साथ शहर के कई बुद्धिजीवी लोग भी मौजूद रहे। यूनिवर्सल न्यूज के लिए सिवान से आशीष कुमार की रिपोर्ट।